सब्सक्राइब कीजिए हम शेफ चैनल को और बेल आइकन को दबाए मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। आज हम बना रहे चिकन खफसा। चिकन खफसा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी मुर्गी 8 पीस में कटी हुई, 600 ग्राम चावल, सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून, 4 हरी इलायची, 10 लौंग, 2 चक्री फूल, 1 पीस दालचीनी, 2 मोटी इलायची, 1 प्याज, 2 टमाटर, तेल 100 मिली, मक्खन 750 ग्राम, 15 बादाम, 15 काजू, 50 ग्राम किशमिश। खफसा बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई मसाले पीसेंगे। मिक्सर की जार में धनिया डालेंगे, जीरा डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, चक्री फूल डालेंगे, लौंग डालेंगे, काली मिर्ची डालेंगे, रेशेदार दरदरा पीसेंगे। इसी तरह हमें ये मसाला दरदरा पीसना है। पिसा हुआ मसाला साइड में रखेंगे। एक बर्तन में तेल डालेंगे। हमने सूखा मसाला पीसने के लिए 1 मोटी इलायची डाले थे। अब 1 मोटी इलायची, चक्री फूल, हरी इलायची, दालचीनी का पीस हम तेल में डालेंगे। अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे। सब चीजों को चम्मच से हिलाकर मिक्स करेंगे। प्याज को हम पिंक कलर आने तक भून लेंगे। अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। चम्मच से हिलाकर सब चीजों को मिक्स करेंगे। हमें अदरक लहसुन कुटा हुआ लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना है। एक चिकन के हमने 8 पीस करके लिया है। ये बड़े पीस है। हम चिकन को अंदर तक मसाला लगने के लिए चिकन को इस तरह से कट लगाएंगे। मसाला 1 मिनट अच्छे से भून कर हो गया। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। गैस की आंच मीडियम करेंगे। सब चिकन डालकर हो गया। अब हम चिकन को चम्मच से हिलाकर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जरूरत के अनुसार नमक डालेंगे। फिर से एक बार चिकन को मिक्स करेंगे। अब हम गैस की आंच धीमी करेंगे और चिकन को 10 मिनट ढककर पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं। चिकन को हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो सूखे मसाले हमने पीसे थे वो पीसे हुआ मसाला डालेंगे। लंबाई में कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। टमाटर को हमने कुरच के लिया है, कुरचा हुआ टमाटर डालेंगे। मसाला और चिकन को अच्छी तरह से हम भून लेंगे।
अब हम इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे। हमने 600 ग्राम चावल लिए हैं, वही हिसाब से हमें पानी लगेगा, उतने जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे। एक टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे और चिकन को ढककर पकाएंगे। चिकन अच्छी तरह पक गया। अब हम गैस की आंच बंद करेंगे। अब हम चिकन को स्टॉक में से अलग निकालेंगे। चिकन अलग निकाल के हो गया। अब हम चिकन के स्टॉक को छन्नी पे छान लेंगे। अब हमने जो चिकन पकाया था, चिकन का स्टॉक हम खफसा बनाने के लिए लेंगे और ऊपर का मसाला है वो हम फेंक देंगे। छना हुआ चिकन का स्टॉक फिर से हम एक बर्तन में डालेंगे। अब हम एक ट्रे को फॉइल पेपर लगाएंगे, इसको तेल या मक्खन से ग्रीस करेंगे। उसके ऊपर पका हुआ चिकन रखेंगे। चिकन के ऊपर हम थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे। और मक्खन डालेंगे। थोड़ा सा हम केसर डालेंगे। अब हम चिकन की ट्रे को ओवन में रखेंगे। ये पका हुआ चिकन है, इसे सिर्फ हमें ब्राउन कलर देना है। 200 डिग्री पर हम 15 मिनट के लिए चिकन को ओवन में रखेंगे। ये चिकन के स्टॉक को फिर से हम उबाल लेंगे। अभी चिकन के स्टॉक को बॉयल आ गया। अब हम इसमें धोए हुए चावल डालेंगे। चावल को हमने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे। चम्मच से हिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जरूरत के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले चिकन पकने के लिए नमक डाला था, वो हिसाब से थोड़ा सा जरूरत के अनुसार ही नमक डालेंगे। चम्मच से हिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल को बॉईल आने तक हम ढककर रख के पकाएंगे। चावल को बॉईल आ गया, हम फिर से एक बार चम्मच से चावल को मिक्स करेंगे। खफसे के चावल बनकर तैयार हो गए। अब हम गैस की आंच धीमी करेंगे। खफसे के चावल अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसमें हम मक्खन डालेंगे।
ये मक्खन पिघल कर अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम इसमें कटे हुए बादाम और काजू डालेंगे। किशमिश डालेंगे। मक्खन गर्म होने के बाद हमें गैस की आंच धीमी करना है, नहीं तो तेज आंच पर डालेंगे तो काजू और बादाम किशमिश जल जाएंगे। धीमी आंच पर हम मक्खन में काजू किशमिश और बादाम भून लेंगे। भुना हुआ बादाम काजू और किशमिश हम कप्से के चावल के ऊपर डालेंगे। चिकन तैयार हो गया, इसे अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। चिकन कप्से के चावल के ऊपर रखेंगे। अब हम बर्तन के ऊपर ढककर रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। कप्सा हम दम पे रखेंगे। मजेदार सा चिकन कप्सा बनकर तैयार हो गया। अब हम चिकन के पीसेस एक प्लेट में निकालेंगे। चम्मच से हिलाकर कप्से के चावल मिक्स करेंगे। मजेदार सा चिकन कप्सा बनकर तैयार हो गया। बहुत ही कम मसाले वाली रेसिपी है, ईद के लिए जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही झटपट बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। हमारी आज की चिकन कप्से की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।